स्वागत है आपका वंडर टेक्निकल गुरु में। मैं साजिद अली लेकर आया हूँ आज आपके लिए कंप्यूटर्स और मेमोरी से रिलेटेड कुछ जानकारी है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है। कौन देता है इंफॉर्मेशन? यूजर, जो भी कंप्यूटर को यूज करता है। हम अगर यूज कर रहे हैं तो हमने उसको इंफॉर्मेशन दिया, उसने एक्सेप्ट किया फ्रॉम द डिजिटलाइज्ड डेटा। हमने डिजिटल के फॉर्म में उसको डेटा एंटर किया एंड मैनिपुलेट इट फॉर सम रिजल्ट बेस्ड। और ये क्या करता है, उस डेटा को लेकर फिर मैनिपुलेट करता है। मीन्स हमने जो भी डेटा दिया उसको उसने मैनिपुलेट किया। हमने ABCD दिया तो वो उसको डिजिटल से वो बाइनरी फॉर्म से कैलकुलेट करके फिर उसने अल्फाबेट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके शो किया। दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। तो उसने लिखा, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ द डेटा इज टू बी प्रोसीड। सपोज कीजिए कि हमने उसको 2+2 दिया, तो अब उसके बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम चल रहा है उसको मालूम है कि अगर यूजर ने 2+2 दिया है तो उसका रिजल्ट क्या है, 4 है। तो उसने वहाँ पे क्या किया, उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उसने अपना वर्क परफॉर्म करके दिया। द डाटा इज टू बी प्रोसीड। कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर आल्सो इंक्लूडिंग द मीन्स फॉर स्टोरिंग डेटा। जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी भी देते हैं। सपोज कीजिए हमने आपको कुछ रुपए दे दिए इस हाथ लेफ्ट हैंड में और कुछ रुपए दे दिए राइट हैंड में। अब आप क्या करेंगे, अगर हमें और आपके पास पैसे देने हैं तो अब आप क्या करोगे, आपको उस पैसे को पहले रखने के लिए कोई स्टोरेज चाहिए ना, तो उसको पॉकेट में रखेंगे। दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। आपका पॉकेट क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस। वैसे कंप्यूटर में आपका कुछ डेटा दे दिए, उसको रखने के लिए इसके पास भी तो स्टोरेज होना चाहिए, तो इसके पास भी स्टोरेज होता है जिसे हम मेमोरी कहते हैं। दैट्स इट। कंप्यूटर कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। डेस्कटॉप, जिसमें मॉनिटर अलग होता है, स्पीकर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये पार्ट अलग होता है, ओके। लैपटॉप, इसमें सारे पार्ट इंक्लूड होते हैं, मतलब माउस भी उसी में रहता है, कीबोर्ड भी उसी में, डिस्प्ले भी उसी में, साउंड भी उसी में और CPU भी उसी में। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस और स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फ़ोन ये बहुत एक जैसे काम करते हैं। इसमें सारे फीचर्स हैं एक कंप्यूटर की तुलना में, एक आप कह सकते हो मिनी कंप्यूटर की तुलना में जितने फीचर होने चाहिए वो इसमें सारे होते हैं इंक्लूडेड। सारी चीज़ें स्पीकर से लेकर मॉनिटर एंड कीबोर्ड माउस एवरीथिंग। माउस का काम वो टच स्क्रीन करता है। नेटबुक क्या होता है, एक छोटे आकार का आपका लैपटॉप समझ लो, ठीक है। ये क्या होता है, लाइट वेट होता है, लीगेसी फ्री होता है, कहीं भी ले जा सकने में आसानी होती है, कम खर्च में होता है, ओके। और ये मार्केट में 2007 में आया था, ये एक मोबाइल की तरह उपयोग में लाया जाता है। मेनफ्रेम क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रोसेसिंग वाला वर्क करना हो, बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन स्टोरेज करना हो तब ये आपके काम आ सकता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग में और इंडस्ट्री में, कस्टमर स्टैटिक्स में, लाइक जहाँ पर सेंसस वगैरह का काम करना हो, ओके, बड़े बड़े इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। और आता है लास्ट में एम्बेडेड कंप्यूटर। आपको दिखने आप देखते होंगे आजकल आपके जो TV आ रहे हैं नए नए स्मार्ट जिसको कह रहे हैं, उसमें वो सारी फीचर्स रह रहे हैं। आपकी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटेड है, आपके मोबाइल से कनेक्ट करके आप उसको, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप उसको रिमोट कर सकते हैं। आपका AC वो भी आपके रिमोट से, आपके मोबाइल से कनेक्ट करके आप उसको रिमोट कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, ये भी एक कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आते हैं।
डेस्कटॉप कंप्यूटर से तो लगभग सभी लोग परिचय होगा, जिसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर सब कुछ इनबिल्ड रहता है। बट मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर को लेके काफ़ी कंफ्यूजन होता है। मैं मिनी कंप्यूटर का कुछ एग्जांपल बताता हूँ। मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत जो टैबलेट पीसी आता है ना, वो आता है मिनी कंप्यूटर के अंदर। स्मार्टफोन्स, नेटबुक, टच स्क्रीन पैड, आईपॉड, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मिनी कंप्यूटर हैं। और माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत क्या आता है? जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया जो पीसी टैबलेट होता है, और वीडियो गेम्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, पॉकेट कैलकुलेटर हो गए, ये सारे क्या हैं? ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के साथ। लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बातें क्या है? मिनी और माइक्रो कंप्यूटर दिखने में सेम होंगे, पहचानने में कन्फ्यूज़न होगा, बट आप ये जान लीजिए मिनी में एक प्रोसेसर भी हो सकता है और दो प्रोसेसर भी हो सकता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में सिर्फ एक प्रोसेसर होता है। अब आते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में। मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन अ लार्ज बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें एक साथ सैकड़ों लोग मिलकर कैलकुलेशन कर रहे हों, एक बड़ी इंडस्ट्री में इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे हम मेनफ्रेम कंप्यूटर की यूज करते हैं। अक्सर बैंकों में, सेंसस मार्केट में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में, वहाँ पर मेनफ्रेम कंप्यूटर को हम देख सकते हैं। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? वर्किंग के आधार पे और कैसे वर्क करते हैं। कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी स्टोर्ड एंड रन बाई हार्डवेयर। मतलब कि ये है कि जो कंप्यूटर के जितने पार्ट हैं जिन्हें हम ऐसे अपने हाथ से छू सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर के पार्ट तो नहीं छू सकते ना, बाहर से दिखता है, बाहर से हम उसे अगर जब ओपन करेंगे तो दिखेगा, लेकिन उसके जितने पार्ट, कहने का मतलब हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी हाथ, उंगली, हाथ है, बाल है, सर है, जो भी है, तो जो दिख रहा है मैं उसे पकड़ सकता हूँ अपने, उसके अंदर हमारे लीवर भी है, किडनी है, उसको जब डॉक्टर जब ऑपरेट करता है तब उसको निकाल पाता है, लेकिन वो सारे क्या है? फिजिकल पार्ट है, तो उसको हम हार्डवेयर कहेंगे। एग्जांपल में मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, माउस एट्सेट्रा। अब आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एज अपोज टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैज टू बी लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स स्टोरेज सच एज हार्ड ड्राइव, मेमोरी और रैम। वंस द सॉफ्टवेयर इज लोडेड द कंप्यूटर इज एबल टू एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर। आप ये समझिए कि बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर डब्बा है, जैसे बिना आत्मा के शरीर डिब्बा है। ओके, अब इसको समझते हैं। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है तो हम जीवित हैं, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं। अगर हम सपोज कीजिए हम सो रहे हैं, तो उस समय सपोज कीजिए कि हमारे शरीर में आत्मा नहीं है, तो क्या उस समय क्या मेरा हाथ काम करेगा? नहीं करेगा। हमारा पैर काम करेगा? नहीं। क्या हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी को रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं? नहीं। सेम टाइप है, अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर पार्ट हैं वो डिब्बा है, वो यूजलेस है, वो कोई काम के नहीं है। तो उसके इस इंटरनल पार्ट में, उस जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड करते हैं, उसको हार्ड डिस्क कहते हैं, और जिस पे वो सॉफ्टवेयर रन करता है उसको हम रैम कहते हैं। उसको, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, या हो सकता है इसी के आगे पार्ट में। जब वो सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर हार्डवेयर के मेमोरी में लोड हो जाता है, तब ये सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर का हार्डवेयर काम करता है। कॉमन इनपुट डिवाइस। कॉमन इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है कि लगभग सारे कंप्यूटर में ये डिवाइस तो यूज होने ही हैं डेटा को इंटर करने के लिए। इनपुट का मतलब क्या हुआ? हम अपने डेटा को, हमको जो कंप्यूटर से वर्क परफॉर्म करना है, जो भी कहना है, ए बी सी डी लिखो, गाना बजाओ,
पिक्चर चलाओ, जो भी व्हाटएवर हमें इस कंप्यूटर से काम करना है, तो हम अपना वर्क ऑर्डर जो देंगे उसको देने के लिए हम इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हमें क्लिक करना है तो क्लिक किस पे करेंगे, माउस पे, तो वो क्या है, एक डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस। हमने ABCD टाइप करना है तो किससे टाइप करेंगे, कीबोर्ड से, वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, हमने बोल के उससे अपना वर्क परफॉर्म कर दिया। माउस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पॉइंटिंग ऑफ सेल POS, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग स्टिक, कई जगह स्टिक्स का इस्तेमाल होता है, छोटे छोटे बने होते हैं स्टिक्स, उसके इस्तेमाल से बहुत पुराने मोबाइल्स में भी हम देख सकते थे कि वहाँ पे पॉइंटिंग स्टिक मोबाइल के साथ लगे होते थे, उनके द्वारा हम क्या करते थे, एंटर करते थे, अपने डेटा को इनपुट करते थे, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, हमने उसको बोल दिया कि भाई ये कर, इनपुट डिवाइस के थ्रू हमने बोल दिया, अब वो काम करके हमें दिखाएगा भी तो वो किसके थ्रू दिखाएगा, हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू। हमने बोला ABCD टाइप कर, हमने इनपुट दे दिया, अब वो दिखाएगा ना कि हाँ सर हमने ABCD टाइप कर दिया, तो कहाँ दिखाएगा, डिस्प्ले पे दिखाएगा, मॉनिटर पे दिखाएगा, तो मॉनिटर हमारा क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हो गया। हमने बोला हमें नया गाना बजा के सुना, तो उसने गाना बजाया, हमने इनपुट दिया इनपुट डिवाइस के थ्रू, आउटपुट किसके थ्रू मिलेगा, अब गाना हमें कहाँ से सुनाई देगा, स्पीकर के थ्रू। लैपटॉप है तो इनबिल्ड स्पीकर होगा, अगर डेस्कटॉप है तो अलग से स्पीकर होगा, तो उसमें गाना बजेगा, तो वो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। हमने जो बोला इनपुट डिवाइस के थ्रू, उसने जो हमें काम करके दिया आउटपुट डिवाइस के थ्रू। इसी के साथ हम देखते हैं जो डिस्प्ले होता है, जो हमारा मॉनिटर होता है, वो कितने तरह का होता है, CRT होता है यानी कैथोड रेज ट्यूब, FPD होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD जो पतले वाले आते हैं ना, वो CRT वो मोटा वाला बड़ा वाला डिब्बा जो आता था वो है, और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, एक जैसे LCD आती है वैसे ही GPD आती है, गैस उसमें भरा होता है, इसमें लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है उसके डिस्प्ले पे, उसमें गैस प्लाज्मा भरा होता है। आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मॉनिटर हो गए जिनको मैंने कैटेगरी करके बता ही दिया, प्रिंटर होते हैं, इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, ये अभी आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद इसमें इंकजेट लेज़र प्रिंटर है ये, ठीक है, उसके बाद मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स हैं। प्रिंटर में क्या, हमने कुछ भी ऑर्डर किया कि मुझे एक लेटर टाइप कर दो, हमने टाइप किया या फिर डाउनलोड कर लिया, अब उसको हमें चाहिए, हाथ में चाहिए, अभी तो सिस्टम में है ना, तो उसे हमें हाथ में लेने के लिए हमें पेपर में प्रिंट होना चाहिए ना, वो तो पेपर में प्रिंट कौन करेगा, उसके लिए अलग से एक प्रिंटर बना होता है। प्रिंटर क्या है, मेरा आउटपुट डिवाइस है, वो वहाँ से हम कंप्यूटर से निकाल के वो वर्क आउटपुट हमें देगा एक पेपर के रूप में, तो वो डिवाइस क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। अब आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एज अपोज टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स स्टोरेज सच एज हार्ड ड्राइव मेमोरी और रैम। वंस द सॉफ्टवेयर इज लोडेड द कंप्यूटर इज एबल टू एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर। आप ये समझिए कि बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर डब्बा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है, टेम्पररी स्टोरेज है, ये हमेशा के लिए आपका डेटा स्टोर नहीं करके रखने वाला है, जब तक आपका सिस्टम ऑन है और उस पर आप जब तक कोई भी काम कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं या आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या फिर आप कोई लेटर लिख रहे हैं या फिर कुछ भी आप कोई फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, तो जब तक वो काम आप कर रहे हैं
अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको आपने कहीं सेव नहीं किया है। अगर आपने सेव कर दिया तो वो रैम से हट के वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा, हार्ड डिस्क के बारे में हम पढ़ेंगे, बट वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा। और जब तक आपने सेव नहीं किया है और उस पर आप काम कर रहे हैं, तब तक तो वो रैम पर रन कर रहा है। रैम आपकी तब तक की जिम्मेदारी लेता है जब तक उसे आप सेव करके हार्ड डिस्क में ना रख दें। अगर आप उस पर सेव नहीं किए, रैम पर काम किए, तो रैम किसी काम की गारंटी नहीं लेता। आप जब तक, वो कहता है कि जब तक आप मुझ पर ओपन करके काम कर रहे हो तब तक तो मैं आपका डेटा रखा हूँ। अगर आपने बिना सेव किए आप कहीं और प्रोग्राम यूज़ करने लगे और सिस्टम आपका बंद हो गया बाई चांस, तो मैं कोई डेटा का जिम्मेदारी नहीं रख सकता। मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि आपका डेटा सेव रहेगा, वो डेटा डिलीट हो जाना है हर हाल में। तो इस वजह से जब तक कि आप डेटा को सेव नहीं कर सकते तब तक वो रैम पे रहता है, लेकिन रैम पे तब तक रहेगा जब तक कि आपका सिस्टम ऑफ ना हो या फिर जब तक आप उस प्रोग्राम को क्लोज ना कर दें, तब तक ही वो डेटा रैम पे रहेगा टेम्प्रोरी बेस पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम से पूछने वाला ये प्रश्न है। बहुत बड़े 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 एग्ज़ाम में भी इसका सवाल पूछता है और छोटे छोटे एग्ज़ाम में भी, छोटे बच्चों के एग्ज़ाम में भी ये बेसिक में पूछता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ये कंप्यूटर से रिलेटेड। मेमोरी क्या है और इसका कैलकुलेशन क्या है, लाइक मेमोरी क्या है, तो ये क्या करता है, लार्ज कलेक्शन ऑफ सर्किट ईच कैपेबल ऑफ स्टोरिंग बिट। इस मेमोरी में क्या होता है, बहुत बड़े कलेक्शन में सर्किट्स होते हैं और हर सर्किट एक बिट को स्टोर करता है, ठीक है। अब बिट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो टिपिकल साइज इज 8 बिट, ठीक, और 8 बिट को एक बाइट कहते हैं। सम मशीन आर 16 बिट, बहुत सारे मशीन ऐसे होते हैं कंप्यूटर जो 16 बिट के होते हैं, जिसको 2 बाइट कहते हैं, बहुत पहले आते थे, अब तो मैक्सिमम 32 बिट या 34 बिट ही आते हैं, जो लैपटॉप की बात कर रहा हूँ मैं, तो जिसमें मैक्सिमम अब तो 64 बिट भी यूज़ करते हैं लोग। तो इसमें होता क्या है, एक किलो बाइट बराबर कितना बाइट होगा, 1024 बाइट होगा, और एक बाइट बराबर 8 बिट। 1 MB यानी 1 MB बराबर 1024 KB, 1 GB यानी 1 GB बराबर 1024 MB। उसके बाद आता है टेराबाइट, 1 TB बराबर 1024 GB। ऐसे ही पेराबाइट, मेराबाइट, बहुत सारा बाइट आता है, बट मैक्सिमम आप इतना तक जानना बहुत ज़रूरी है कि टेराबाइट तक आप जान लें कि 1 GB में 1024 MB, 1 MB में 1024 KB होता है। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।